स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स का मैथ्स का 13 चैप्टर हम करवा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसकी हमने 3 एक्सरसाइज कर ली हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्सरसाइज 13.6। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नाउ लुक हियर, दिस इज सिलेंडर, राइट? और मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट? ये किस केस में होता है? जब हमारी फिगर नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, राइट? अब इसमें आप देखिए कि बेस का एरिया क्या होगा। बेस कैसा है? सर्कुलर। सर्किल का एरिया क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर, और हाइट इज एच, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू बेस एरिया, सर्किल है सो पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज एच, राइट? और यूनिट का ध्यान रखेंगे, क्यूबिक यूनिट। ओके, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कमफ्रेंस गिवन है। अब आप देखो ध्यान से क्या होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल तो हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इटेंड्स टू पाई आर लेंथ ऑफ द बाउंड्री। समझो ध्यान से, सर्कमफ्रेंस और एरिया में क्या डिफरेंस है? दिस लेंथ इज सर्कमफ्रेंस एंड द होल एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आप देखो आगे, तो सर्कमफ्रेंस गिवन है तो आपको क्या वैल्यू गिवन है, वैल्यूज लिखते चले जाते हैं। यहां देखिएगा, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस गिवन है, मींस क्या गिवन है, 2 पाई आर, कितना, 130। ओके, हाइट इज 25 132 सेंटीमीटर, विद यूनिट लिखिए, हाइट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अब आपको पहले भी समझाया कि अगर कोई अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप निकालेंगे वॉल्यूम, अगर कोई चीज सरफेस पे लग रही है तो सरफेस एरिया, ठीक है। तो कितना निकलेगा इसका, क्या करेंगे आप, वॉल्यूम निकालेंगे। अब समझना ध्यान से, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, अभी आपने करा था, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, आर, और वो आर कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, पाई 22/7, आर इक्वल टू 132, सो आर इज 132 × 7/2 × 22। आप देखो 132 11 से कट हो रहा है, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, ये आया 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे निकालते हैं, क्या पूछा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, वाटर होल्ड इन वेसल इट इज इक्वल टू, यस, पाई आर स्क्वायर एच, द वैल्यूज पाई 22/7, आर इज 21, ठीक है, ध्यान रहे आर स्क्वायर है, जल्दीबाजी में मिस्टेक नहीं करना, इंटू 21 एंड एच इज 25, ठीक है। जितना कट हो रहा है इसको कट करिए, 7 3 जा 21, जो कैलकुलेशन कर सकते हैं करते जाओ, 3 से मल्टीप्लाई किया 66, इंटू 21 इंटू 25 इक्वल टू 3 4 6 5 0, मल्टीप्लाई करके देखना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब आगे समझो, क्या कहा था हमसे, लीटर में आंसर निकाला, हाउ मैनी लीटर्स, ठीक। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से समझा रही हूँ, वॉल्यूम में
दो यूनिट होती हैं, एक तो लीटर और एक मीटर या क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आगे समझो, फॉरवर्ड मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई, बैकवर्ड मूव करेंगे डिवाइड। कहने का मतलब, अगर आप लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 1000। ये तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन है। यहाँ देखिएगा, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। लुक हियर, एट इज 1000 से डिवाइड करेंगे 34650 अपॉन 1000 लीटर। क्या होगा, 3 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, सो इट इज 34.65 लीटर। ठीक है, पॉइंट के बाद लास्ट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज गिवन, आउटर डायमीटर इज गिवन, द लेंथ ऑफ पाइप इज गिवन। पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। इनर डायमीटर मीन्स स्मॉल आर, 24/2 इट इज 12 सेंटीमीटर, राइट। आउटर डायमीटर कैपिटल आर, 28/2 इट इज 14 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द पाइप इट इज H is 35 सेंटीमीटर। ठीक, इतना समझ में आया। जब भी आपको डायमीटर गिवन है आप 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट रेडियस लिखो। ओके, अब आगे देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, मास कैलकुलेट करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन है। तो अगर हम क्या निकाले, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है, 1 का मास इतना है तो उतने वॉल्यूम का कितना होगा, सिंपल। ठीक है, तो मास निकालने के लिए यहाँ पर पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वुडन पाइप। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ देखो ध्यान से, सपोज ये वुडन पाइप है, ठीक। अब यहाँ देखो ये हॉलो पाइप है, क्योंकि इसमें इनर और आउटर आपको दोनों गिवन है। अब आप समझना, जो वुड यूज हो रहा है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये चारों तरफ, अंदर से तो खाली है, ठीक है। तो इस वुड का वॉल्यूम कितना होगा, आप समझो ये 2 सिलेंडर है, एक आउटर सिलेंडर एक इनर सिलेंडर, ठीक है। इनर तो खाली है, एम्प्टी है, तो आप इस वुड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आउटर सिलेंडर वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो, अंदर तो एम्प्टी है, ठीक है। तो अब आप समझो क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये समझ में आया, आउटर वॉल्यूम आउटर रेडियस लेंगे, इनर वॉल्यूम इनर रेडियस लेंगे, और अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, सो इट बिकम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है। वैल्यू पुट करते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35। ठीक है, आगे देखो अब मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रही हूँ, 7 से तो ये कट हो गया, 7 5 जा 35, 5 से 22 को मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 110। ठीक है, आगे देखो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में मिले 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्या थी हमारे पास आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, आप 14 का स्क्वायर करें, फिर 12 का स्क्वायर करें, फिर माइनस करें, उससे कैलकुलेशन लेंथी होती है। क्या करना है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, पहले 14 प्लस 12 करिए, कितना आएगा 14 प्लस 12, और फिर करिए 14 माइनस 12,
थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 + 12 = 26 and 14 - 12 = 2। तो आप डायरेक्ट a² - b² को a प्लस बी पहले ऐड करके लिखिए, फिर a माइनस बी माइनस करके लिख दीजिए, तो आप देखो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ओके, आप जितना सॉल्व हो रहा है ये हो गया 220 × 26 और हो गया आएगा 5720 यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या है आपके पास कि जो वुड यूज हुआ है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, 1 cm³ का मास गिवन है, सो मास ऑफ वुड इक्वल टू, जब 1 cm³ का मास गिवन है और इतने का पूछा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 × 5720 यूनिट क्या आएगी, ग्राम। ठीक है, अब आगे देखो, पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 0 = 0, 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 6 × 7 = 42, 43, 4 कैरी, 6 × 5 = 30 एंड 34। ठीक, 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लगा दिया, यूनिट अभी भी किस में है, ग्राम में। ठीक, अब और समझो, 1 kg इट इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, जब भी स्मॉलर यूनिट में वैल्यू ज़्यादा आ जाए, ठीक है 1000 से ज़्यादा आ रहा है ग्राम, तो हम क्या करते हैं उसको किलोग्राम में चेंज कर देते हैं। फिर कॉन्सेप्ट फिर वही है, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बैकवर्ड डिवाइड, क्या करोगे, सिंपल 1000 से डिवाइड, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे 3432/1000, इट इज इक्वल टू, यस कितना आएगा, 3 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा 3.432 kg किलोग्राम, राइट करेगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक, फर्स्ट पार्ट अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5, लेंथ इज 5 cm, width 4 cm, breadth is 4 cm, height is 15 cm, right? ठीक है, जो जो गिवन है उसको लिखते जाइए। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, सिलेंड्रिकल प्लास्टिक विद सर्कुलर बेस, डायमीटर एंड हाइट इज गिवन, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, फॉर सिंपल क्वेश्चन, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, अब यहाँ समझो 2 कैन है, एक का बेस रेक्टेंगुलर है, तो आप समझो ये कौन सी शेप होगी जब रेक्टेंगुलर है, तो यस क्यूबॉइड। ठीक है, अब आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है और आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बेटा फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए तभी आपसे ये क्वेश्चंस होंगे, LBH एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैन इट इज इक्वल टू, इसको और विद रेक्टेंगुलर बेस पूरा लिख देती हूँ मैं, विद रेक्टेंगुलर बेस, राइट इट इज इक्वल टू LBH, L इज 5, B इज 4, H इज 15, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर क्यूब, 5 × 4 = 20 × 15 और 15 × 2 = 30, 10 लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इस तरह से कैलकुलेशन करिए कि आपको ऐसा नंबर मिल जाए जिससे मल्टीप्लाई करनी इजी हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, सिलेंड्रिकल बेस है, सिलेंडर है, सर्कुलर बेस है, डायमीटर गिवन है, सो आर एस 7/2 cm, हाइट एस 10 cm। ठीक है, अब इसकी भी कैपेसिटी निकालनी है, सो वॉल्यूम ऑफ कैन विथ सर्कुलर बेस, ठीक फॉर्मूला क्या होगा, पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पाई 22/7 आर स्क्वायर, ध्यान रहे 7/2 × 7/2 × h, ठीक
देखो क्या क्या कट हो रहा है, 7 से ये 7 कट हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कट हुआ, फिर इधर ये 2 5 जा 10 हो गया, तो हमारे पास आया 11 5 जा 55 इनटू 7। ठीक, देखिएगा इट इज 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आगे समझते हैं, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किसकी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। तो देखो किसकी ज्यादा है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर, हाउ मच माइनस कर दो। सो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर of cylindrical can is greater, कितनी ज्यादा है, by माइनस कर देते हैं 385 माइनस 300, इट इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो जो गिवन है उसको देख के लिखते जाओ और जो फाइंड करना है उसको सोचो कि वो कैसे आएगा। ठीक, देखेंगे, इफ द लेटरल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया का, याद है आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, याद, देखेंगे, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, क्या पढ़ा था, यस 2 पाई आर एच, लेटरल सरफेस एरिया और सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या पढ़ा था 2 पाई आर एच। ठीक है, तो देखा आपने हर एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं ऐसा नहीं है वो उसी में ही यूज़ होंगे, मतलब वॉल्यूम का एक्सरसाइज है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमें गिवन है 2 पाई आर एच, इट इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है, हाइट एच इज 5 सेंटीमीटर, राइट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, वेरी सिंपल, वैल्यू पुट कर देंगे। आप देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू क्या पुट करूं, 22/7, राइट, नो, क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक पढ़ना। ठीक है, अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 तो आप वही यूज करेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर गिवन है पाई की वैल्यू तो वो पुट करेंगे, अदरवाइज 22/7, राइट, so it is 3.14 r we have to calculate, h is 5, it is 94.2, 5 to the 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 31.4, r equal to 94.2, और देखो कितना इजीली कट हो रहा है, 31.4 3 टाइम्स, 31 3 जा 93, और आप देखो 3 से 3 4 जा 12 1 कैरी आएगा, कट हो रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियर, so it is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए आपको 3.14 गिवन थी, अगर आप 22/7 से करते तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, रेडियस आ गया, आगे क्या पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल, पाई इज यस 3.14, ध्यान से पूरे क्वेश्चन में यही यूज होगी। ठीक है, आर स्क्वायर 3 × 3 × 3, एच इज 5, अब जो जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको कर लो, कैसे 5 3 जा 15 15 3 जा 45 सॉल्व करिएगा, इट इज 141.3 सेंटीमीटर वॉल्यूम निकालने हैं तो क्यूब। ठीक है, ध्यान से यूनिट रखिए, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो रुपीस, एरिया निकालने हैं तो स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो क्यूबिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट रुपीस 2200 टू पेंट द इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, क्या गिवन है हाइट, कितनी
10 लीटर. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर. आपको मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी, फिर समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए. क्या समझाया था कि अगर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, ठीक, और रेट गिवन है, तो उससे आप कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे. रेट पर मीटर गिवन है तो आएगा लेंथ. अब वो लेंथ सर्कमफ्रेंस की भी हो सकती है, पेरीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. अगर आपको गिवन है रेट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर, तो आएगा आपका एरिया डिवाइड करके, ठीक है. अगर आपको रेट पर मीटर क्यूब गिवन हो, ठीक, तो इसको सॉल्व करके आपका आता है वॉल्यूम. आई बात समझ में? तो हमने देखा हमें रेट पर मीटर स्क्वायर गिवन है, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे, मीटर स्क्वायर है तो एरिया आएगा. एरिया कौन सा आएगा, कहाँ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पेंट हो रहा है, कहाँ पर, इनर सीएसए. क्या चीज कैलकुलेट होगी, इनर सीएसए, राइट. इनर सीएसए कॉस्ट सरफेस एरिया, इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर. आई बात समझ में? ठीक, टोटल कॉस्ट इज 2200 अपॉन 020, तो ये हो गया 110 मीटर. मीटर में है, यस, मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट आया इनर सीएसए. सेकंड पार्ट रेडियस पूछा है, कैसे निकालेंगे. सीएसए पता चल गया, रेडियस निकालना है, हाइट गिवन है. सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए हमारे पास आया 110 मीटर स्क्वायर. सीएसए का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है. वैल्यू पुट करते हैं, जो जो वैल्यूज गिवन है, पाई की क्या वैल्यू पुट करेंगे, नहीं गिवन है तो 22/7, राइट. 22/7 आर वी हैव टू कैलकुलेट, एच इज 10 इक्वल टू 110, सॉल्व कर दीजिए. आर इक्वल टू जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, सिंपल, ठीक है. सो 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10, सॉल्व करते हैं. देखो 0 से 0 कट, 11 टू जा 22, ये आया 7 अपॉन 4. डिवाइड करेंगे 4, 1 जा 4, 30, ठीक है. 4, 7 जा 28 एंड 4, 5 जा 20, इट इज 1.75 मीटर स्क्वायर. स्क्वायर आएगा, नो. क्या निकाला आपने, रेडियस, राइट, ठीक है. क्या यूनिट आएगी, ओनली मीटर, ठीक है. आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, थर्ड पार्ट. कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. पुट करते हैं, पाई इज 22/7. अब ध्यान से देखो आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए, 1.75 या 7/4, ठीक है. समझ में आ रहा होगा कि 7/4 पुट करते हैं, तो 7/4, क्योंकि 1.75 से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और 7 से 7 इजीली कट होगा, ठीक है ना. तो 7/4 एच इज 10. अब ये देखो आप कट करते हैं, क्या क्या कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 11 जा 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है. 2 5 जा 10, सॉल्व करो, देखो क्या क्या सॉल्व हो रहा है, 11 5 जा 55 इंटू 7/4, इट इज इक्वल टू, सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 96.25. और सिंस आप क्या निकालने हैं, वॉल्यूम, यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, ओके, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है, द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, ठीक है. तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है, एच 1 मीटर, ठीक. और क्या गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, मीन्स वॉल्यूम गिवन है, कितना, 15.4 लीटर, ठीक है. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट
इज नीडेड टू मेक इट। अब समझना ध्यान से, निकालना क्या है हमें। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज वर्ड को ध्यान से देखना, ओपन है कि क्लोज, ठीक है। तो अब ये शीट कहाँ कहाँ यूज होगी जब क्लोज है, तो CSA में, बेस एंड टॉप, राइट। तो आप कौन सा एरिया निकालेंगे, यस टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, TSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए ध्यान से, TSA ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, 2πr(h+r), राइट, ठीक है। तो अब हमें पहले क्या चीज कैलकुलेट करनी है, r कैलकुलेट करना है, ठीक। h तो है ही हमारे पास, r और मिल जाए सॉल्व हो जाएगा। अब देखो r कैसे आएगा, वॉल्यूम गिवन है, लेकिन वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन है और यूनिट हमारी मीटर में चलती है, ठीक है, ठीक। अब हमारे पास दो मेथड है, एक तो अभी आपने देखा था 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 cm³, करा था अभी, ठीक है। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 cm³, करा था, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो या तो हम इसको सबको सेंटीमीटर में चेंज करें, दूसरा एक और फॉर्मूला भी आपको बताया था, जस्ट इसका रिवर्स होता है, 1m³ = 1000m। अब आपको क्या लगता है हमें किसमें चेंज करना चाहिए, अब आप देखो समझो इसको, अगर मैं इसको लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर दूं, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है क्या है कि मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, तो ये पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1m = 100cm, इधर भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, इनटू 1000 cm³, राइट। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 14500, ठीक है, 3 जीरो आएंगे, 1 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 जीरो बचेंगे, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब लगाते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या होता है, πr²h, 1500, पाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो क्या लेंगे, 22/7, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, h इज 100, 154, यहाँ देखो r² = जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में लेके जाओ, 154 × 7/22×100, ध्यान से देखना, 00 से तो ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, फिर 2 से कट हो गया, 2 7 जा, तो ये क्या आया, r² = 7², ठीक है। जब इधर स्क्वायर है तो कोशिश करो उधर भी स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ गई 7, और सिंस हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था तो सेंटीमीटर, राइट, r आ गया। क्या पूछा था, मेटल शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू, अभी समझाया था कहाँ कहाँ शीट यूज हो रही है, टोटल सरफेस एरिया में क्या फॉर्मूला होगा, 2πr(h+r), सिंपल वैल्यू पुट करिए, 2π is 22/7, r is 7, h is 100+7, देखो ध्यान से, जो जो सॉल्व हो रहा है पहले इसको कट करो, 7 से 7 कट हो गया, ये आया 44 और मल्टीप्लाई 107, इट इज इक्वल टू 4708 यूनिट। क्या लगाएंगे, शीट रिक्वायर्ड, एरिया निकाल रहे हैं आप, क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट को बहुत ध्यान से लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, पेंसिल सबने देखी है, अंदर
लेड होती है, ठीक है, जो लिखती है उसके चारों तरफ वुडन कवर होता है, वुडन का हॉलो सिलेंडर होता है। डायमीटर ऑफ पेंसिल दैट इज 7 मिलीमीटर, सो इट इज कैपिटल आर। ठीक है, पूरी पेंसिल का डायमीटर गिवन है 7/2 मिलीमीटर, यूनिट ध्यान से लिखना। ठीक है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, जो अंदर ग्रेफाइट होता है, ठीक है, दिस इज 1 मिलीमीटर, सो आर इज 1/2 मिलीमीटर। ठीक, आगे देखो, लेंथ ऑफ द पेंसिल दैट इज एच इज गिवन 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। अब समझना ध्यान से, सबसे पहला काम तो यूनिट को सेम करना। ठीक है, यूनिट को सेम करने के लिए यहाँ मिलीमीटर है और इधर ये सेंटीमीटर है, तो आप समझो किस तरह से चेंज करोगे। मैं एक बार समझा देती हूँ पूरी टेक्निक। किलो हेक्टो डेका मीटर लीटर ग्राम डेसी सेंटी मिली। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पता है आपको, कल हम दोनों मिलेंगे डिग्री कॉलेज में। ठीक है, क्या करने की टेक्निक है और कैसे कन्वर्जन होता है, अगेन सेम रूल, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बैकवर्ड डिवाइड। ठीक है, और किससे, जितने जंप करेंगे, ये एक जंप 10-10 के इक्वल होता है। ठीक है, ये एक जंप अगर आप लेते हैं तो वो 10-10 के इक्वल है। ठीक, तो जितने आप जंप ले रहे हैं उतने जीरोस लगा दो। जैसे अब यहाँ पर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, देखो ध्यान से, दिस इज मिलीमीटर। ठीक है, आप इसके इन सब के आगे चाहे मीटर लगाएं, चाहे लीटर लगाएं, चाहे ग्राम लगाएं। ठीक है, अब यहाँ देखो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, बैकवर्ड मूव करना है, एक जंप क्या है, क्या करोगे, 10 से डिवाइड। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। राइट, इधर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मत निकालिए पहले। ठीक, अब आगे देखिए क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वुड, ध्यान से देखना। अब वुड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आप सोचो, पूरा अंदर तक वुड है, नहीं है, अंदर ग्रेफाइट है, लेकिन हमें खाली वुड का वॉल्यूम निकालना है। क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम मीन्स आपको हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, πr² - r² × h, राइट, सो इट इज πR² - r² h। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, देखो ध्यान से कैलकुलेशन, π 22/7, ठीक है, r² 7/20² -1/20² × h, h is 40। अब देखना मैं कैलकुलेशन कैसे करती हूँ, फिर उसी तरह से जैसे आपको समझाया था अभी, कि आप अगर a² - b² फॉर्म हो तो आप क्या करेंगे, a+b है a-b। देखो 7 से तो ये कट हो गया, 7 × 2 = 14, और 22 से मल्टीप्लाई कर दो 44, जितना हो सकता है साथ साथ करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखना, इधर समझो, a² - b² क्या करेंगे, a+b, ठीक है, और a-b, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, मैं ये स्टेप प्रॉपरली यहाँ लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा 7/20 + 1/20 and 7/20 - 1/20। आप जरूरी नहीं है ये स्टेप लिखें, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट प्लस और माइनस करके लिख सकते हैं, तो ये आएगा 44 × 8/20 × 6/20। ठीक है, अब देखो कट करो, 10 और नंबर को सिंप्लीफाइड करते हैं, ये 22 हो गया। ठीक है, इधर से करा, ये 10 हो गया, इधर हो गया 11। ठीक, सॉल्व करते हैं, 11 × 8 = 88 × 6/100। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कोई रफ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, 6 × 8 = 48, 4 carry 6 × 48 + 4 = 52/100, it is 2 place के बाद पॉइंट आ जाएगा 5.28
किसमें आएगी यूनिट, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दी थी, सो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल रहे, राइट। नेक्स्ट देखो आगे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट कहां पर है, ग्रेफाइट कहां पर है, इनर, अंदर वाले सिलेंडर में है, तो मींस हमें इनर वॉल्यूम निकालना है, मींस पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए इट इज पाई 22/7, स्मॉल आर इज 1/20 × 1/20 और एच इज 14, कट कर दो, 7 × 2 = 14, 2 × 10 = 20, ठीक है, इधर भी कट करा 2 × 10 और ये आएगा 11, ठीक, तो ये आया 11/100 0.11 cm³। ओके, तो इस तरह से आप देखो कोई भी रफ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कुछ क्वेश्चंस में करना पड़ता है, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िएगा। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल। पहले तो शेप देखिए कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल, क्या गिवन है इसमें, डायमीटर गिवन है 7 cm, तो फटाफट लिखिए रेडियस 7/2 cm, यूनिट लगाना ना भूलें। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 cm, 4 cm हाइट तक इसमें सूप फिल्ड है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट के लिए कितना सूप चाहिए, पहले 1 का निकालते हैं, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखो वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 1 patient is equal to cylindrical shape है, pi r square h, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं पाई 22/7, आर एस 7/2, पॉइंट में मत निकालो इसको, ठीक है, अगर आपका 7 का मल्टीपल है, ठीक है, 7 है, 14 है या 21 है, तो अपॉन 2 में है तो उसको रहने दो ऐसे, पॉइंट में मत करो, 7/2 × 4, देखो ध्यान से बहुत इजीली कैलकुलेशन हो रही है, 7 से 7 कट, 2 × 4 ये भी कट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 7 × 14 = 154 cm³। ठीक, ये तो आया एक पेशेंट को कितना सूप चाहिए, नाउ सूप रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स, ठीक है, क्या करेंगे 250 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ध्यान से कैसे कर रही हूँ, 0 का तो 0, ठीक है, 25 × 4 = 100, 10, 10, 25 × 5 = 125, ऐड कर दिया 135, 13 कैरी, 25 × 1 = 25, इसमें 25 ऐड करो तो कितना आ गया 38500 cm³। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल हैं, ठीक है, उनको भी समझते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। देखिए ध्यान से, द पिलर्स ऑफ अ टेंपल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड, ठीक है, एक क्लियर हुआ कि शेप कैसी है, सिलेंडर, इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस, रेडियस गिवन है 20 cm, बेटा ये ध्यान से करना, रेडियस गिवन है तो आर एज इट इज लिखिए, अगर डायमीटर गिवन है तो 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, हाइट इज एच इज 10 m, ठीक है, आगे देखो हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 such pillars, ठीक है, 14 पिलर्स के लिए कितना कंक्रीट यूज होगा और ये कंक्रीट कहाँ यूज होगा, उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम, ठीक
ठीक है, स्पेस इनसाइड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो वॉल्यूम, सरफेस पे कोई चीज यूज होगी तो एरिया, ठीक याद रखिएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन पिलर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखा आपने कि एक यूनिट सेंटीमीटर में है, दूसरी मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं, 20 अपॉन 100 किया, ये बन गया 0.2 मीटर रेडियस, ठीक है। ये देखो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच इज 10, ठीक। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 2 2 4 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 अपॉन 7, ये आएगा 4 2 8 8.8 अपॉन 7, यहीं छोड़ दो इसको, छोड़ दो। क्यों छोड़ देना है, क्यों हम 7 से डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमें पता है मुझे फर्दर कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट में आंसर तब निकालो जब आपको बिल्कुल फाइनल आंसर लाना हो। अगर आपको लगता है आगे भी कैलकुलेशन करनी है, इसको यहीं छोड़ दो। देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये आया सेंटीमीटर क्यूब, कितने प्लस का निकालना है हमें, 14 का। देखो जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 से कट हो जाएगा, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। देखिए नाउ कॉन्क्रीट यूज्ड फॉर 14 पिलर्स, ठीक, इट इज इक्वल टू 14 इंटू 8.8 अपॉन 7, और देखो आप कट करोगे 7 2 14 2 से मल्टीप्लाई 16 1 कैरी और 8 टू द 16 प्लस 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो आप देखते हैं किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है और कितने शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं। कुछ जगह जरूरत पड़ती है, पर जितना हो सके आप रफ कैलकुलेशन से बचिए। नेक्स्ट देखिए, एट अ रमजान मेला अ स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस, लार्जर का है तो कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिल्ड अप हाइट ऑफ, इसके लिए कैपिटल एच ले लेते हैं, कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक। द जूस इज फिल्ड इन अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास, उसके लिए हम स्मॉल आर और स्मॉल एच ले लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे देखो, अब इसको 15 रुपीज ईच, एक ग्लास की कॉस्ट है, एक ग्लास जूस की कॉस्ट है 15 रुपीज ईच। अब समझना ध्यान से, हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। अब एक ग्लास की कॉस्ट 15 रुपीज है, तो पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस, है ना। जो रेट गिवन होता है पर मीटर क्यूब, तो एरिया निकालेंगे, पर मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम निकालेंगे, मीटर स्क्वायर होगा तो एरिया कैलकुलेट होगे। अब पर यूनिट है मतलब ईच, तो मतलब आपको वन वैल्यू मतलब नंबर ऑफ निकालना है, ठीक है ना। तो ईच ग्लास, नंबर ऑफ ग्लास कैलकुलेट करते हैं। अब आप समझो, एक बड़े कंटेनर में, जग में वाटर है, उसको आपने ग्लासेस में डाल दिया, ठीक है, तो कितने ग्लास फिल होंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करें तो लार्जर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यस लार्ज सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्लास है। अब यहाँ समझो, बिगर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, देखना कैलकुलेशन बहुत इजीली होगी। और स्मॉलर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल आर 15, स्क्वायर है तो इंटू 15, कैपिटल एच 32 अपॉन स्मॉल आर 3, स्क्वायर है तो 3 इंटू 3, एच इज 8, ठीक।
करते हैं कैलकुलेशन, 3 5 जा 15 3 5 जा 15 8 4 जा 32 और 5 5 जा 25 25 4 जा 100। यूनिट भी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या है ये? नंबर ऑफ ग्लासेस। ठीक है, अब वन ग्लास की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज़। तो इतने की कितनी होगी? वेरी सिंपल। सो क्या पूछा था? मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। सो मनी रिसीव्ड इक्वल टू हंड्रेड इंटू 15 रुपीज, इट इज 1500 यूनिट कॉस्ट है 2 रुपीज। ओके, तो आप देखें कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, कैसी शेप है, ठीक, क्या फॉर्मूला होता है और कैलकुलेशन बहुत ध्यान से। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।